श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के उपदेश को अपने जीवन का अंग बना चुके हैं। हाय मेरे मन तरस रहा है, उनमें हम सबका नाम आ जाए, उनमें हम सबका नाम आ जाए। किन में? जो भगवान के उपदेश में पूरा मन जोड़े हुए हैं, भगवान के उपदेश में अपना पूरा मन लगा रखे हैं। पढ़ी थी मैट्रिक के अंदर ये इंग्लिश में पोएम, आज मुझे याद आ रही है। दिल करता है कि ऐसा ही हमारा मन बन जाए। आपने भी पढ़ी होगी, हमने तो रट्टे भी चढ़ाए और गा गा के रोए भी सही। अबू बिन आदम, एक दिन एक फरिश्ता यानी देवता हाथ में एक कॉपी लिए हुए और पेन पकड़े हुए घूम रहा था, क्या इधर उधर। हाँ, वो एक दिन अचानक अबू बिन आदम के कमरे में भी प्रकट हुआ और एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। अबू बड़ी गहरी नींद में था, उसकी आंख खुली, देखता है हवा के अंदर एक फरिश्ता खड़ा है और कुछ अपनी कॉपी में लिख रहा है। अबू ने प्रणाम किया और कहा, देव पुरुष क्या करते हो? भगवान के प्यारों का अपनी कॉपी में नाम लिखता हूं। तो तुम क्या मेरा नाम भी लिख रहे हो? बड़ा हैरान हूं कि ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है और तुम जबकि घुराड़े मार रहे हो, तुम्हारा नाम लिखूं तो कैसे? अच्छा, तुम फिर भगवान के प्यारों में मेरा नाम न लिखो। वाकई ब्रह्म मुहूर्त में तो भगवान के प्यारे जागा करते हैं, उनको नींद नहीं आती, उनके बाद अंत समा जाती है। क्या प्रभु जागत है, तुम सोवत हो? ऐसे क्या भगत हो कि भगवान जागे और भगवान का भगत सोए? नहीं, अच्छा ना लिखो, पर एक तरफ मेरा नाम उनमें लिख लो जो भगवान के बंदों से प्राणियों से प्यार करते हैं। तरसता कि उनमें तो लिख ले, आज मेरा दिल करता है कि हमारा नाम उनमें लिखा जाए जो भगवान की वाणी से प्यार करते हैं, भगवान के ज्ञान से प्यार करते हैं, भगवान के उपदेश को अपने जीवन का अंग बनाना चाहते हैं। जैसे अबू ने तरसते हुए कहा, मेरा नाम भगवान के प्राणियों से प्यार करने वालों में तो लिख ले, भगवान के भक्तों में ना, पर हमारा मन ऐसे नहीं कहता। हमारा मन तो चाहता है, ऐसा रंगा गया है कि हमारा नाम उनमें लिखा जाए जो भगवान की वाणी से प्यार करे, भगवान के ज्ञान को अपने जीवन का अंग बना दे। ऐ फरिश्ते, ऐ देवता, हमारा नाम उनमें लिख। अकीदत से पाबंदे अरशाद गए, वो कर्मों के बंधन से आजाद।